Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you so much. मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा. Every superstar was a newcomer one day. And I believed in my dreams. Because believing is the way of living. ये भी हीरो बन गया. Oh. मैं तुझे मेरे दोस्त से मिला था. हे हाय, मीट माय फ्रेंड मधु. ओ रोहन, हाय. मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है. मुझे? हाँ. रियली? या कहीं तो देखा है मैंने तुम्हें. हम फेसबुक में तो फ्रेंड नहीं हैं, किसी पार्टी में मिले होंगे, याद नहीं. और सपने में तो आने का चांस ही नहीं है. अच्छा, तू अक्षय की एक फिल्म देखेगा क्या? वैसे आज कौन सी अक्षय की फिल्म दिखाएगा? अरे अक्षय की फिल्म नहीं, उसके फैन की एक फिल्म दिखाऊंगा. कोई साइकोलॉजिकल लव स्टोरी है. दी एंड. फिल्म की स्टोरी तो अच्छी होगी ना? चलना देखते हैं. क्लोजिंग टाइम है, जल्दी बोलो. टैंक फुल कर देना. पेट्रोल या डीजल? गैस. गैस? उस तरफ जाओ. अरे आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि इसमें पेट्रोल पड़ता है? देखो भाई, ये बाइक कौन सा तेल पीती है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी बॉडी देखकर पता चलता है कि आप कौन सा तेल पीते हैं. अभी डालोगे क्या? टैंक फुल कर दो. वन मिनट प्लीज. हाँ, जो गाड़ी खड़ी है वो टैक्सी है. हाँ, ड्राइवर नहीं है, खाना खाने गया है. ड्राइवर को जल्दी आने के लिए कहो, मुझे वो टैक्सी चाहिए. टैक्सी चाहिए? अगर टैक्सी से जाना था तो बाइक में पेट्रोल क्यों डाल रहे हो भाई? ये मेरी फुल टैंक भरी हुई गाड़ी टैक्सी ड्राइवर को दे देनी है और उसके टैक्सी में जाना है. टैक्सी में जाना है? हाँ. मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है? नहीं है. सर, आपका बिल 1980 रुपए, मेरा टिप्स 20 रुपए, मिलाकर ठीक 2000 रुपए हुए सर. जल्दी दे दीजिए सर, टाइम पर घर पहुंचना है मुझे. क्या वो सर दारू पीकर रो रहे हैं? कोई पुराना दर्द? नहीं. फिर क्या हुआ सर? बीबी ने लात मारकर बाहर भगा दिया क्या आपको? नहीं. अरे तो फिर क्या हुआ? सब कुछ अंदर ढूंस कर ऐसे क्यों रो रहे हो? बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. बिल भरने के पैसे नहीं है? अरे बाप रे, मेरी नौकरी का क्या होगा? फुल टैंक दारू पीने के बाद बोलता है बिल भरने के पैसे नहीं है, और आप भी ऐसे ही बोल रहे हो. ये फुल टैंक की 7:30 पता नहीं कब दूर होगी. बिना पैसे लिए छोड़ूंगा नहीं मैं. अरे चिंता मत करो यार, मेरे पास कार्ड है ना. क्या कार्ड? विजिटिंग कार्ड? नहीं, क्रेडिट कार्ड है. क्रेडिट कार्ड? हाँ. इधर लाइए, टैक्स के साथ स्वाइप कर दूंगा मैं इसे. आपको गोवा ही जाना है ना? नहीं, मेरी दादी के घर भयानकपुरा. भयानकपुरा? वहाँ नहीं जा सकते? वो क्यों? वो क्यों? एक तो घना अंधेरा, ऊपर से अमावस्या की डरावनी काली रात. रास्ते में कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को क्या पता. कार्ड डाला तो मेरी बात जिसने भी अनसुनी की है वो कभी वहाँ से वापस नहीं लौटा है. वहीं उसका अंतिम संस्कार हुआ. बाइक से जाना तो और भी खतरनाक है. चुपचाप अपने घर जाओ और सुसु करके सो जाओ. चैलेंज कर रहे हो क्या? यस. मैं कौन हूँ तुम्हें पता भी है क्या? पता चल जाएगा, कल सुबह के पेपर में तुम्हारी पूरी कहानी छप जाएगी. क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इस रोड से गए तो कल सुबह अर्थी उठेगी तुम्हारी गारंटी. आई एम अ चैलेंज एक्सपर्ट. और तुम मुझे ही चैलेंज कर रहे हो क्या? चैलेंज? आज तक मैंने एक भी चैलेंज नहीं हारा है. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुन लो. मैं अकेला इस आधी रात में उस जंगल के बीच भयानक प्रकोप दिखाऊंगा. बताओ कितने की बैट लगी?
अरे इस झमेले में मत पड़ो, ये सब तुमसे नहीं होगा, चुपचाप निकलो यहाँ से। तुम एक काम करो, यहाँ पास में ही एक ढाबा है, मैं पहले वहाँ काम करता था, मेरी शक्ल पर 50% छूट देता है वो, इसलिए वहाँ जाकर चिकन मटन प्राउंस और केकड़ा फुल पेट खा करके फुल टैंक दारू पी करके टाइट हो जाना, सीधा जंगल में घुस जाना, कम से कम तुम्हारी आत्मा को शांति तो मिलेगी। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मैं अभी तक अच्छा खासा जिंदा हूँ और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। हाँ? मैं तुम्हारी आधी उम्र का हूँ, पहले मैं जाऊँगा या फिर तुम जाओगे? मैं तुम्हें एक सही बात बताऊँ क्या? हाँ? मेरी बात मानकर तुम अगर यहाँ से वापस गए तो पहले मैं मरूंगा, लेकिन याद रखना अगर तुम इस रास्ते से गए तब तो तुम्हारा मरना पक्का है, कन्फर्म बोल रहा हूँ मैं। ऐसी बात करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा पता है? क्या करोगे? पिन घुसेड़ दूंगा पिछवाड़े में। अरे रहने दो भाई, मेरे पास एक ही तो फुल टैंक है, उसे भी पंचर कर दोगे क्या? अभी से स्वाइप करके आता हूँ। हाँ बस वही, वन मिनट प्लीज। ₹10,000 ज्यादा स्वाइप करके आना, मुझे कैश चाहिए। ए, पागल हो गया क्या? हम लोग ऐसा नहीं करते, समझा क्या? अरे प्लीज थोड़ा ट्राई करो ना, कैश की जरूरत है मुझे। अरे बोल दिया ना, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ऐसा है तो होटल में तुम पैसे भरोगे? होटल में चिकन बटर प्राउंस फुल टैंक दारू। ओके ओके ओके, 20,000 स्वाइप करके लाता हूँ। ठीक है ठीक है। इस बॉटल में जो विस्की है वो तुम्हारे ग्लास में नहीं, सिर्फ मेरे ग्लास के लिए है, और जिन तुम्हारी बॉडी के लिए सूट नहीं करेगी। ओल्ड रम तुम्हारे फिजिक और तुम्हारे चेहरे को सॉरी मैच नहीं करती। दिखने में तू किसी मिनिस्टर का बेटा लगता है। एक्चुअली तुझे कौन सा ड्रिंक पीना चाहिए मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है? करेक्ट है तेरे लिए, ओपनर दे के जा भाई जा। यस वही क्यों? ये भी मेरे में मिक्स कर रहा है, वेरी गुड, थैंक यू। ये क्या, तू तो मिक्स मार रहा है भाई, दिखने में क्लासी, काम करता है देसी। हेलो, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ दे। अभी तो बता दे भाई, तू आखिर कौन है भाई? कमीना। ए, कौन है ये जिसने 11:30 के बाद भी दुकान खोली रखी है? लेट 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 हो चुका है, 11 बजने के बाद दुकान के साथ साथ लाइट भी बंद होनी चाहिए, पता नहीं है क्या तुम्हें है? भाई ये पुलिस वाले बुला रहे हैं। अरे फिर से आ गए ये लोग, ऑलरेडी 30 मिनट लेट हो चुका है, और लेट करोगे तो डबल पैसा देना होगा। लेट हो चुका है, बहुत लेट। बॉस उधर देखिए, बॉस लगता है छापा पड़ गया, बॉस उधर देखिए, अगर मैं यहाँ फंस गया तो वहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कौन डालेगा बॉस? आप तो सीएम के बेटे, बच जाएंगे हम गरीबों का क्या होगा बॉस? और बाप रे बॉस, आप बैठो मैं तो निकलता हूँ बॉस, मैं आपको वहीं पेट्रोल पंप के पास इंतजार करूँगा बॉस, जाता हूँ बॉस। मैं कब से कह रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी ऑलरेडी हो गया है लेट, और टाइम लगाएंगे तो होगा डबल रेट रेट। ऐसे नहीं जा सकते बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। डबल तू बता कि सिंगल देगा या डबल देगा? तुम बैचलर कार्निक को जानते हो क्या? तुम सीएम को फोन करो या पीएम को फोन करो, लेकिन मेरा जो बनता है वो देना होगा। डबल। उनके बेटे को जानते हो क्या? रोहन कार्निक को कौन नहीं जानता, सबसे ज्यादा मस्तीखोर है, परसों तो उसने बेंगलुरु के एसीपी को भी मार दिया, टीवी और पेपर में देखा मैंने। उससे भी पहचान होगी ना तुम्हारी, तो भी डबल देना होगा मुझे। डबल देना पड़ेगा।
कुछ ना कुछ तो दे के जाना ही पड़ेगा। सर लेट, अब नहीं करना किसी का वेट। सर अगर ये आपको इस तरह से थप्पड़ मार सकता है तो पक्का ये सीएम का ही बेटा होगा। सर 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 सर, सर सुनिए सर, सर सर कहाँ जा रहे हैं सर, वो भी इस समय इतना पी के। मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, भयानक पूरा। सर आप आईबी में रुक के भी तो जा सकते थे। आईबी में भूत है क्या? भूत ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो फिर मैं क्यों आऊँ? किसी ने मुझसे कहा कि अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो मेरा डी एंड हो जाएगा, ऐसा हो सकता? किसने कहा सर ऐसा? पकड़ के देते कान के नीचे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, बस उसी का जवाब दो। मेरी लाइफ का डी एंड होगा क्या? पता नहीं सर। तो बस वही जानने के लिए मैं जा रहा हूँ। और एक बात सुनो, रोहन को सवाल पसंद नहीं है, सिर्फ जवाब। लाइफ में मुझे जो सवाल सता रहा था, आज उसका जवाब मिल गया है। अभी इस सवाल का जवाब मिल गया तो समझो मुझे सब कुछ मिल गया। ए, करेक्ट है यार, ये अपॉर्चुनिटी मुझे फिर नहीं मिलेगी। ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। रास्ते में कर्नल का घर मिलेगा। उधर स्वर्गीय कर्नल का घर मिलेगा सर। उस घर में सबके सब पागल है सर। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कीजिएगा। बाइक तो गई है, कार आ रही है सर। देखो आ रहा है। रुको रुको रुको। ये गंगा जल पीने के बाद भगवान भी भूत दिखाई देता है। थू। हाय। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कम ऑन गेट अप। मेरा घर यही पास में है, कम ऑन।
बैठ चमगादड़। Let's stop here, my boy. That's my house. Oh. Let's go. Come in, boy. आवाज नहीं, शांति से आओ। अश्विनी, दरवाजा खुला है, जाके बंद करो। आने जाने वालों को क्या सिर्फ मेरे ही घर का दरवाजा मिलता है? सारा दिन बस खोलती बंद करती रहूं। तंग आ गई हूं मैं तो। ये लोग कौन है? ये इस घर की केयर टेकर है, झाड़ू पोछा करके घर को क्लीन रखती है। बड़ा घर है ना, वेरी नाइस पीपल। इतने बड़े घर की साफ सफाई करना कोई मामूली बात नहीं है। कम ऑन, लेट्स गो अप। कम, प्लीज कम, हैव अ सीट। थैंक्स। ऐसे ठंडे मौसम में जब हम थक कर आते हैं तो मौसम के हिसाब से कुछ गरम गरम पीने का मन करता है, समथिंग वार्म। व्हाट विल यू हैव? वोडका। दैट्स फॉर द लेडीज बॉय। यू आर ऑल्सो ए लेडीज बॉय, आई नो। Something else. Scotch on the rocks? Okay. No scotch on the rocks. घर में और कौन कौन है? इस घर में? हाँ, इस घर में और कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। आप अकेले? हैव यू ड्रिंक? ये क्या? चीयर्स माय बॉय। चीयर्स दादाजी। दादा? कौन दादा? कौन किसका दादा? कॉल मी कर्नल। श्योर कर्नल। आप कर्नल कम लगते हो और मैजिशियन ज्यादा लगते हो। लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक माय बॉय, यू शुड क्लोज योर आईज एंड सी। आंखें बंद करके देखोगे तभी दिखेगा। स्मॉल करेक्शन, ओपन योर आईज एंड सी, राइट? रॉन्ग। आंख बंद करने के बाद ही मन की आंखों से, अंतर्दृष्टि से देखना चाहिए, फिर पता चलेगा। क्रिएटिव। आप बहुत ही क्रिएटिव हो। थैंक यू। आपकी वाइफ अंदर है ना? व्हाट यू मीन? आई मीन उन्होंने ही ये सब सर्व किया है ना? नो माय बॉय, अनफॉर्चुनेटली माय वाइफ इज नो मोर। ओ, आई एम सो सॉरी। एक बार वो मैके गई और वो मैके जाते ही मर गई। अगर यही मरती तो आत्मा बन के कम से कम यहां भटकती तो मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाता। आप आत्मा के साथ जीते हो? हाँ, ऐसा है तो अभी भी आने के लिए कहिए ना, आ जाएगी। नो माय बॉय, आत्माएं ट्रेवल नहीं कर पाती। मरे हुए लोग उसी जगह पर बंदी बन जाते हैं,
वो बाउंड्री छोड़कर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो मर चुके हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो मर चुके हैं। ओ, ऐसा है क्या? आई विल ड्रॉप यू देयर, मैं आपको उनके पास पहुंचा दूंगा। नो नो, मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। मैं क्यों अपने ससुर के घर में जाकर रहूं? कहीं ये बूढ़ा भी मरकर यहाँ आत्मा बनकर भटक तो नहीं रहा है? हो भी सकता है। लुसी, इस घर को मैंने बनाया है। अपनी आखिरी सांस तक मैं यहां से जाने वाला नहीं। वही, वो आखिरी सांस निकलने के बाद? उसके बाद भी यहीं रहूंगा। अगर मैं चुप बैठा तो ये दादाजी मुझे भी यहीं रख लेगा। ये ड्रिंक खत्म करके यहां से निकलना ही बेटर है। ओके कर्नल, आई विल टेक योर लीव। लीव? हाउ कैन यू लीव? तुम जाने के लिए नहीं आए हो माय बॉय। मैं छोड़ूंगा तभी जाओगे ना। बिसाइड, फिनिश योर ड्रिंक। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। तुम्हें जो कुछ और जितना भी चाहिए, अगर तुम उसे दिल से मांगोगे तो वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी माय बॉय। जब हम किसी चीज को अपनी दिल की गहराई से मांगते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। आप ऐसा कह रहे हो ना? एग्जैक्टली। तुम बहुत सुंदर और अच्छी हिंदी बोलते हो। अब हमारी भाषा हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा सर? वेरी ट्रू। आई लाइक यू माय बॉय। बहुत ही सरल और स्पष्ट दिल है तुम्हारा। Besides, you're a brave man. क्योंकि तुम शहर में रहने वाले ऐसे जंगल और पहाड़ी रास्ते से यहाँ आए हो, डर नहीं लगा तुम्हें? सर, अगर हम सच्चे हैं और हमारा दिल साफ है तो हमें किसी से क्यों डर लगेगा सर? और वैसे भी ये पहाड़ी इलाके मुझे बहुत पसंद है। सबको पसंद है, आत्माओं को भी पसंद है। आप ऐसा कह रहे हो तो आप इस घर में कितने भूतों को सहारा दे रहे हो? You will know later on. By the way, मैंने पूछा नहीं और तुमने बताया भी नहीं, क्या कहानी है तुम्हारी? कहां जा रहे थे और क्या हुआ था? वहां पर कैसे गिर गए थे? मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया था? मैं कौन हूं? थ्री टू वन। अब तुम गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हो। अब अपने शरीर के हर अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ। अब अपने शरीर से बाहर आ जाओ और आकाश की तरफ देखो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? घना अंधेरा। वही है हमारी और तुम्हारी क्रिएट की हुई एम्प्टी स्पेस, और हम इसी के अंदर रहते हैं। अब तुम उस एम्प्टी स्पेस से बाहर आने की कोशिश करो। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? शनि ग्रह दिख रहा है। ओके कूल, कुड यू सी द व्हाइट डॉट्स? अब वो व्हाइट डॉट्स को द एंड तक ट्रैवल करते रहो। तुम्हें एक दिव्य ज्योति दिखाई देगी। यू हैव टू रीच देयर। रोहन, कैन यू सी द दिव्य ज्योति? आई कैन सी ओनली वन। आई डोंट नो वेदर इट इज दिव्या और ज्योति। व्हाट? नो रोहन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यू कैन सी अ लाइट, डैमन इट। यू हैव टू गेट इनसाइड दैट। यू कैन सी अ होल न्यू वर्ल्ड। रोहन, दिख रहा है ना तुम्हें? बोलो रोहन, वो दूसरी दुनिया तुम्हें दिखाई दे रही है? कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। अरे आखिर तकलीफ क्या है तुम्हारी? हे भगवान, पता नहीं इन लोगों को करने के लिए दूसरा काम है भी या नहीं। क्या है ये सब रमिया? Do you think this is all possible? Yeah, 100% रोहन, पर तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मैडम, इस दुनिया में ठीक से जी ले यही काफी है। इधर ही बहुत सारे काम है करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट यू वांटेड टू शो इनसाइड। वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती रोहन, पहले तुम यहाँ आकर लेट जाओ। व्हाई डिड यू ओपन योर आईज? आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कम एंड स्लीप। हे, कहीं भी सोने के लिए मैं कोई मेंटल केस हूँ क्या? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है रोहन? ऐसा है तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि यहाँ जो कुछ हुआ यही भूल जाना। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रवीण मेरा क्लोज फ्रेंड है और तुम उसके फियांसे हो। तुम एशिया की नंबर वन साइकियाट्रिस्ट हो। मेरा दिमाग ठीक करने आई हो, लेकिन ट्रूथ क्या है तुम जानती हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है।
दिस इज नॉट अ जोक रोहन, योर लाइफ इज इन डेंजर। तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आने वाली है, आफ्टर दैट योर लाइफ विल बी इन अ डीपेस्ट प्रॉब्लम। देखो रम्या, प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं है बल्कि तुम्हारे और प्रवीण के बीच लगता है। He loves you a lot. Don't break his heart. End of the day, he's your life partner. But you're my soulmate. You're my everything. Rohan, मैं अंदर आऊँ या बाहर जाऊँ? Oh, hi Amog. Superb timing है यार तेरी. दोबारा मेरी लाइफ में मेरे सामने कभी मत आना, मैं बचपन से ही बहुत कमीना हूँ. So, please don't. Please Rohan. मैं पार्किंग के पास हूँ, तू आ जाना. शे. रोहन, दूसरा लाइटर है क्या? अबे ओए, दिमाग का दही हो गया है, चल पहले चल के पी लेते हैं कुछ. क्या पिएगा? गंगा जल. वैसे यार हम दोनों कभी भी गंगा जल को मना नहीं कर सकते हैं. अरे अपनी दूसरी गाड़ी सर्विस के लिए दी थी, उसका क्या हुआ? हाँ, फोन तो किया था उसने, हम जाते वक्त उसे कलेक्ट कर लेंगे. नारियल दीजिए भैया. लो पैसे. अरे भाई सुनो ना, तीन नारियल पानी. पानी वाला कितने का है? 35 रुपए का है सर. एक और प्लीज. रोहन. हाँ. तू खुद बोलेगा या मैं पूछूं? क्या? तेरी और रमैया की बात. अबे हमारे प्रवीण की गर्लफ्रेंड है वो. ओ सॉरी, कुछ भी मत बोला कर यार. ये लीजिए सर. आज सडनली प्रवीण ने फोन पर क्या कहा पता है? क्या कहा? उसकी गर्लफ्रेंड के सपने में मैं आया था. क्या बात कर रहे हो? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, ये सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, कैसे जीते हैं यार ये लोग? सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, सिर्फ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वो दूसरे लड़कों के पीछे भागती है. मेरी गर्लफ्रेंड है ना, पक्का पतिव्रता है. ज़ेरॉक्स कॉपी. ये देखो उसका ही फोन है. उठा ना फिर. दिमाग चाटेगी यार, कुछ समझती ही नहीं है. अरे यार फिर तुझे लव कैसे हुआ उसके साथ? ये मुझे भी पता नहीं चला यार, मैं कैसे इसके जाल में फंस गया. ये तू कह रहा है? अबे वो 2 करोड़ रुपयों की डील कर रही है ना गोवा में. अच्छा, उसी ने मुझे प्यार के झंझट में फंसाया है यार, अब मैं उसका सोलमेट हूँ इसलिए लव है. ओ, ये सोलमेट का कॉन्सेप्ट तुझे भी पता है क्या? ए, ये कोई सोलमेट नहीं है यार, ये लड़कियां है ना लड़कों को पटाने के लिए पुराने डायलॉग्स बोलती हैं. ऐसा है क्या? भाई अब कितने पैसे हो गए तीनों के? देख भाई एक बात बताता हूँ, तू सुन ले. मुझे ना एकदम प्योर रहने वाली लड़की चाहिए. क्या बोला? प्योर रहने वाली लड़की. और उसके साथ 51 रुपए हो गए. भाई 51 रुपए, मेरे पास अभी 85 है, 1 रुपया बाद में दूंगा. ये तो फटी हुई नोट है, दूसरी दीजिए. अरे दूसरी नोट नहीं है, ये फटी हुई नोट है, कोई नहीं लेगा, दूसरी दीजिए. मतलब ये नहीं चलेगा? एक काम करना, जहाँ से फटा हुआ वहाँ फेविकॉल लगा लेना यार. उसकी अच्छाई के बारे में कहूँ तो स्टेपलर लगा लेना. मैंने कहा ना मुझे दूसरी नोट चाहिए. नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? ए, बोल, क्या बोला? क्या कर दूंगा? कोयता से काट के रख दूंगा. बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए. अरे क्या आवाज कर रहे हो? पैसे नहीं दे रहा था, ऊपर से झगड़ा भी कर रहा था सर. हाँ तो क्या, कोयता लेकर तू उसे मार डालेगा? सर डराने के लिए उठाया था सर. हाँ ठीक है, उठा लिया तो नीचे करना, मैं देता हूँ उसके पैसे. ठीक है सर. ए तू जा यार, चल. अरे यार हम दोनों इतनी अच्छी बात कर रहे थे, इसने डिस्टर्ब कर दिया. वही यार, तेरी लवर एकदम प्योर होनी चाहिए, प्लस अच्छी होनी चाहिए. रोहन अच्छी होनी चाहिए मतलब? अच्छी रहने वाली लड़की मतलब पीछे 100 लड़के भी पड़े हो तो वो किसी के भी हाथ नहीं लगती. वही अगर सही लड़की ना हो तो 100 लड़कों के पास जाती है तो क्या वो लड़के चुप रहेंगे क्या? मैं समझ गया यार, तुझे क्लीन पैक चाहिए ना, इतना ही ना? माइन इज अ ब्रांड न्यू, बोले तो झकास. सुनिए सर, एक ही नारियल पानी बचा है, काट के दे दूं क्या? गंगा जल मिला के पी लीजिएगा. लेके आ. रोहन. हाँ. ऐसा कर तू ही पी ले, मुझे पीने में मजा नहीं आता है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है यार. यार इसीलिए तो मैं नारियल पानी में पी रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है और वो बहुत खराब है. ये दोनों अंदर जाकर मिल जाएंगे तो दोनों वाटर है यार. और वो नीचे भी आएगा. मुझे आ गया, मैं जाके आता हूँ. जा, मुझे पता है. कमीना बिना सेंस के डायलॉग बोलेगा, पता नहीं किस पागल के साथ फंस गया. लाइटर कहाँ चला गया? शिट.
लाइटर देना। लाइटर छोड़ बे, ऐसी एक लड़की मिल गई तो लाइफ में बिना कोई मस्ती किए अच्छे लवर्स का टाइटल लेकर लाइफ लॉन्ग रह लूंगा। एक बार उस लड़की को देख दो यार, उसने हाँ कहा तो यहीं पर उसे मंगलसूत्र बांधूंगा। ये लड़की, ये तो मेरी फ्रेंड है यार। ऐसा क्या? I mean, मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है यार। ए, अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी फ्रेंडशिप करवा देना उससे। ए, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या, तुझे 2 करोड़ चाहिए या नहीं? 2 करोड़ रुपए तू देगा क्या? मैं दूंगा यार, तू मेरी फ्रेंडशिप तो करवा दे। रुक रुक, जरा मुझे सोचने दे। अरे वो वहां से चली जाएगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अरे वो जा रही है। अभी नहीं रोहन, तुझे कल मिलाता हूँ। अरे वो जा रही है। ऑटो। रोहन तूने पी रखी है यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब यहाँ से निकलते, कल मिलाऊंगा तुझे। इतना सोच मत, कल मिलवा दूंगा तुझे, चल। ए पागल आदमी, मेरी बात ध्यान से सुन, उसके पास जाके कुछ भी मत बोल देना। वैसे वो बात बहुत कम करती है। एक काम कर, तू चुपचाप मेरे साथ चल, मैं उससे तेरी फ्रेंडशिप करवा देता हूँ। देख यार, घोड़े को पानी तक लेकर गए तो काफी है, उसे पीना आता है। ए, ओए ओए ओए, बेवड़े। ये ले पकड़। नया ट्राई कीजिए ना सर, अब कितनी बार एक ही चीज को रिपीट करते रहेंगे सर, आपके बजट में आ जाएगा सर। सर जी जरा पेन दीजिए ना। ये लो। नहीं सर, डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मुझे टिश्यू पेपर भी दीजिए ना। ए, अब तुम्हें टिश्यू पेपर की क्या जरूरत है? अरे ऑटोग्राफ देने के लिए। जैसे बहुत बड़े सुपर स्टार हो तुम। स्ट्रगलिंग, फिर तो तुम भी मेरे जैसे ही हो। ऑल द बेस्ट। मैं कुछ और सोच रहा हूँ और ये कुछ और सोच रहा है। God, he's getting so late. कहाँ रह गया वो? Excuse me? हाँ? आप अमोक का वेट कर रही हो ना? आपको कैसे पता? उसने आपको इस नंबर पर फोन करने के लिए बोला है। हाँ। क्या है ये? He's such a dumbo. ये हर बार ऐसा ही करता है, कुछ समझता ही नहीं है। हेलो। हेलो अमोक। एक्चुअली मैं रोहन बात कर रहा हूँ, अमोक को आने में थोड़ा लेट होगा इसलिए उसने मुझे भेजा है। What? और तुम कहाँ पर हो? एक्चुअली मैं यहीं पे हूँ। हाय। नॉनसेंस, तुम ये बात सीधे भी तो बोल सकते थे ना? अगर सीधा बोल देता तो तुम्हारे फोन से मेरे फोन पे कॉल आता। क्रैप, उसके आने तक हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बाय द वे, आई एम रोहन। ऐश्वर्या। वाओ, क्या नाम है तुम्हारा, पक्का मैचिंग है तुम और तुम्हारा नाम। करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। मम्मी डैडी ने मेरी बात सुने बिना ही मेरा ये नाम रख दिया। सुन लो, तुम मूवीज की फैन हो क्या? वो सब ठीक है, नाम क्यों चेंज किया तुमने? मुत्तू राज से राजकुमार क्यों नाम रखा उन्होंने? कुछ अच्छा होने के लिए ना। मतलब नाम चेंज करने से अच्छा हो जाता है क्या? उसी तरह कई लोग नाम चेंज करके फ्लॉप हो गए तो उनका क्या? इस टॉपिक से मैं बोर हो गई हूँ, कुड यू प्लीज चेंज इट? ओके, तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कह दूं क्या? क्या तुम अब कॉफी ऑर्डर करोगे? कॉफी? हेलो, 1 cold coffee आपके लिए। ग्रीन टी। ग्रीन टी। इसके बात करने के रेंज से ऐसा लग रहा है कि ये पागल पार्टी है। इसके लिए तो सुदीप ही सही है। थैंक यू। अब कहो क्या था वो इंटरेस्टिंग टॉपिक? आई लव यू। व्हाट, इतना फास्ट? और क्या, अभी 4G आने के बाद तो डाउनलोडिंग थोड़ा फास्ट हो गया है। क्या कहा? देखो एक्चुअली कल मैंने तुम्हें देखा था, लव हुआ, डाउनलोड करने के लिए रखा था, अभी ऑलरेडी डाउनलोड होकर हार्ट में बैठ गई हो। डाउनलोड किया है ना? हाँ। तो अब एक काम करो, शिफ्ट डिलीट करके सिस्टम से परमानेंटली निकाल दो। अरे सडनली ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा, अभी टेम्पररी रिसाइकल बिन में रखता हूँ, फ्यूचर में जब लव हो जाएगा ना तो मैं उसे रिस्टोर कर दूंगा। फ्यूचर में मुझको तुमसे लव होगा? पक्का? हो ही नहीं सकता। ठीक है ज्यादा नखरा मत करो, एक बात बताता हूँ, सुन लो, मेरा 4G है, तुम्हारा 2G है, इसलिए तुम्हारी आंखों से हार्ट तक की डाउनलोडिंग स्पीड कम है, और तुमने मुझे अभी अभी देखा है ना, बस इसी तरह 2 हफ्ते देखते रहना, डेफिनेटली लव हो जाएगा। मेरा प्यार ऐसा नहीं है कि जो भी फोटो देखूं वो डाउनलोड हो जाए, वो इसलिए क्योंकि आंखों से हार्ट का कोई कनेक्शन नहीं,
प्यार होता है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन से। एक लड़के को किसी लड़की से अगर प्यार हो जाए और वो प्यार वाकई सच्चा हो तो वो लड़की भी उसी पल से उस लड़के से प्यार करने लगती है। इसे कहते हैं प्यार, समझे? कुछ भी करके ऑन कर लो। क्या ऑन करूं? तुम्हारे ब्लूटूथ में मैं मेरा प्यार ट्रांसफर करूंगा। जितने कम सवाल पूछो उतना अच्छा। हे इडियट। हे दोबारा यहां। अरे यार तू है क्या? हाँ क्या यार, बिफोर 4x2 था, अब लड़की अच्छी मिल गई तो तू 1x2 हो गया क्या? कूल मैन, कूल। ऐश्वर्या, डेटा सेंडिंग फेल। रोहन, रीसेंड करूं क्या? इस बार एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्या यार, शो ऐसा फ्लॉप हो गया। हाँ, इसलिए यार इन डीजे वालों के साथ ना बात ही नहीं करनी चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल हमें मैच नहीं करती रही। देख रोहन, तू कुछ भी ऐसा वैसा मत सोच यार, लड़कियाँ क्या कम होती हैं, अगर उनकी पर्सनल बातें कोई सुन लेना तो उसके होश उड़ जाएंगे, समझा क्या? अच्छा, तो फिर ऐश्वर्या कैसी है? रोहन, ये प्योर सोना है यार, तो इसका कंपैरिजन क्यों दूसरी लड़कियों के साथ कर रहा है यार? तू एक अकेला है जिससे उसने अच्छे से बात की है, और तू कुछ भी सोच रहा है। अब मैं क्या करूँ यार? तू ज्यादा टेंशन मत ले, हाँ मैं कुछ भी करके तुम दोनों को सेट करवा दूंगा। ए, उसको फोन करना यार। तू चुप रहना। हाँ। हेलो। हेलो यामो। ऐश्वर्या, तू ऐसा कैसे कर सकती है? क्या किया मैंने? तेरे वियर्ड बिहेवियर की वजह से यहाँ कितना बड़ा अनर्थ हो गया, तुझे पता है? रोहन, रोहन ठीक तो है ना? मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला, तू खुद आकर देख लेना। बट अमोक। रोहन, मेरी गारंटी वो यहाँ आएगी, तू मैनेज कर लेना। बट मुझे क्या हुआ है? तुझे हुआ क्या है यार? एक काम करता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ तूने जहर पी लिया। नहीं, ये ज्यादा हो रहा है रे। तो अब मैं उसे और क्या बोलूं? ए, 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 मैंने तुझे नाटक करने को बोला था, तू तो सच में पीने लगा। मेरे स्टाइल में। रोहन, तुझे ऑलरेडी काफी चढ़ गई है। अबे फांदेबाज, मुझे नाटक करने वाले पसंद नहीं है, चल तो निकाल, निकल यहाँ से, निकल निकल। ठीक है, निकल चल चल भाग भाग। ऐश्वर्या को तू ही संभाल और निकल। अच्छा सुन, ये चाहिए तू ही पी ले। हाँ ठीक है। अमोग, रोहन, रोहन, रो, ऐश्वर्या, तुम सच में आई हो या मेरा वहम है? एक बार चेक करके देख लेता हूं। तुम तो सच में आई हो, फर्स्ट टाइम आई हो, कुछ लोगी क्या? मैं नहीं पीती। तुमसे कुछ भी कहता हूँ तो गलत समझ लेती हो, मैं क्या करूँ बोलो? मैंने पी है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, एकदम सच में बोल रहा हूँ, सच में। आई लव यू टू मच। रोहन, लाइफ में बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, बात करके उनके साथ पार्टी भी मनाई है, लेकिन कोई इस हार्ट को पसंद ही नहीं आई। इस हार्ट में डाउनलोड होने वाली तुम पहली लड़की हो। अभी इस हार्ट को हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो भी तुम्हें इस हार्ट से बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरे डैडी बिग शॉट है, बहुत सारी जायदाद है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, बहुत ऐश करता रहा हूं मैं, लेकिन प्यार के मामले में किसी रोमियो मजनू रांझा से कम नहीं हूं मैं, सच में। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कैसा रखूंगा पता है? बहुत चढ़ गई है मुझे। Tell me, बोलो रोहन, कैसे रखोगे मुझे? एक गुलाब के फूल को जैसे माली रखता है वैसे रखूंगा। गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं, उसका क्या करोगे रोहन? निकाल कर फेंक दूंगा।
तुम्हें प्यार करना नहीं आता। बाय ऐश्वर्या। विल यू मैरी मी? गुंडा, he is my caretaker. तू यहाँ पे क्यों आया? मैं ही भेज देता ना उधर। कितने दिन तक ठंडा रूम है? कम से कम आज के दिन तो गरम गरम खाने का मौका मिलेगा, प्लीज। गुंडा, इतनी जल्दी नहीं। क्या खाने के लिए प्लान बना रहे हो बोथ ऑफ यू? पिज्जा। वो पिज्जा नहीं, पिज्जा है। पिज्जा इस टाइम पर भी डिलीवरी करते हैं? अरे मेरे मालिक को क्या समझा है आपने, लेकिन पिज्जा गर्म नहीं रहता है। कुंडा, पिज्जा पिज्जा पिज्जा। कुंडा, ये उससे भी ज्यादा। कितने पीस चाहिए? मुझे 3 पीस चाहिए, मालिक को 2 पीस चाहिए और तेरे लिए सिर्फ 1 पीस। नो थैंक्स, मेरा भी आप ही खा लो। आपका ही तो खाने वाला हूँ मैं। पिज्जा आप ही ने कहा ना अभी। कुंडा, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं है, he is a traveler. क्यों सर, रास्ता भटका हुआ एक बेटा ही समझ लो। ये पागल है, इसे कुछ भी नहीं पता। कुंडा, अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखो, अच्छी है। हाँ? कौन सी स्टोरी भाई? ये थ्रिलर स्टोरी है या मर्डर स्टोरी है या एक्शन स्टोरी है? लव स्टोरी। लव स्टोरी? अरे भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, ये लव स्टोरी के पीछे मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना, जिंदगी खराब हो जाएगी। माइनस भी नहीं चाहिए, प्लस भी नहीं चाहिए, लव लेटर लिख के या सोच समझ के लड़की का मन जीतने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लड़कियों के पीछे कभी कुत्ते की तरह मत घूमना। गिफ्ट आइसक्रीम सिनेमा के लिए कभी भी अपने बाप की जेब में कोई छेद मत करना। गम में मिस यू, हैप्पी में किस यू, और हाथ में हाथ हो तो पीकर देवदास मत बनना। एक्सक्यूज मी, अपनी किस्मत मत आजमा, लड़कियों का दिमाग बहुत थोड़ा होता है, अगर तू फिर भी ऐसा करना चाहता है तो तू बहुत बड़ा पागल है। ओए, मेरी लव स्टोरी बताने के लिए कहकर लव नहीं करने की तुम मुझे सलाह दे रहे हो क्या? अरे रे, मुझे ये बताने की क्या है मेरी ट्रेजिक लव स्टोरी? रुको, पहले मैं ठीक कर लेता हूँ। पता है मेरी लव स्टोरी में पति पत्नी का सीन ही नहीं है। मैंने कहा कान सुनाई देना चाहिए ना। ऐसा है तो ठीक से सुन ले फिर। ओके। एक सुपर लड़की थी, वो रोज मुझे मंदिर में मिलती थी। जोकर। तेरी लवर तुझे जोकर बोलकर चली गई है, अब यही तेरी जिंदगी है, आज से तू इसी गेटअप में रहेगा। तो बताओ कैसा है मेरा गेटअप? जब भी वो मुझसे मिलती थी तो एक बात पूछती थी, ये प्यार का क्या मतलब है, ये प्यार धरती पर क्यों है? वो सब मुझे क्या पता, जाकर भगवान से खुद पूछ लो। करेक्ट, भगवान से जाकर पूछूंगी, भगवान से जाकर पूछूंगी।
ए, मुझे तो एक मौका दो, मैं हूँ ना यहाँ पे बताने के लिए। भगवान! क्या हो गया? एक मिनट के लिए तो मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। क्या आपको सच में मैं इतनी पसंद हूँ? ये मैं तुम्हें कैसे साबित करके बताऊँ? ठीक है, मैं अपनी जान दे के तुम्हें साबित करूँगा। तो मैं जो कहूँगी वो करोगे? एक बार कह के तो देखो। इस भूलोक से मैं बोर हो चुकी हूँ कुंडा, यहाँ पर प्यार नहीं है। चलो भूलोक छोड़ कर चलते हैं। आकाश, पाताल, विताल, मृत्यु भवन, कहीं भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। लेडीज फर्स्ट। मुझे पहले से ही पता था कि ये सारी लड़कियां भूत होती है, लड़कों का खून पीने वाली चुड़ैल। ए, इसलिए तुम भाग कर आ गए क्या? तो और क्या, उल्टे पैर से चलकर अगर वो आती तो तू क्या करता बता? फोटो खींच कर आता था। क्या कॉमेडी कर रहे हो तुम भी। अरे जब भूत था तो वो मंदिर में कैसे आ गया? अरे वो पहले जिंदा थी। ओ, मैं इस भूलोक से बोर हो गई हूँ कुंडा। जब उसने ऐसा डायलॉग बोला तब वो मरी थी क्या? फिर भूत ऐसा डायलॉग क्यों मारेगा? कई बार मरे हुए को पता नहीं होता है कि वो मर गया है। जो मर गया है उसका शव उसे दिखाने के बाद ही उसे विश्वास होता है कि वो मर चुका है। इसीलिए तो 6 घंटे तक शव को आंगन में रखकर रोना धोना किया जाता है बावले। अरे मैं कब से बस यही देख रहा हूँ कि तुम ये भूत भूत के बारे में बता रहे हो। अरे एक बार मुझे भी दिखाओ ताकि मुझे कम से कम यकीन तो हो, उसके बाद मैं भी उसके बारे में ठीक से बात करूंगा। वेरी गुड, तो एक बार इस घर का राउंड लगा के आओ। ऐसा क्या? ठीक है, देखता हूँ भूत। भूत, I'm coming man. भूत, are you there? जाओ देख कर आओ, खुद पता लग जाएगा। भूत का घर है क्या? इंग्लिश पिक्चर की तरह लग रहा है, ऐसे भूत होते हैं क्या? थू, ये तो पक्का हॉलीवुड भूत की तरह ही लगता है। मामा, ये तेरा स्टाइल नहीं है, ये हमारे रियल स्टार आमिर का है। ये हमारे यहाँ का लोकल भूत लग रहा है। कैसा है गुरु? चलता हूँ गुरु, तेरा साथ तो मुझे नहीं चाहिए। ये एक तरह की सुंदर भूत है। तू डॉल ही बनी रहे या रंभा बनकर रहे, लेकिन मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। ये रोज दूंगा, आई लव यू। ये रोज नहीं है, इसे मेरा हार्ट समझ कर रख लो। डर गए। अगर सच में भूत देख लिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? असली भूत है क्या? असली प्यार है क्या? ए, क्या यार, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरा प्यार सच्चा नहीं है क्या? प्यार भी दिखाई नहीं देता और भूत भी नहीं, लेकिन अगर प्यार सच है तो भूत भी सच है। Oh!
आओ आओ ना मेरे पास आओ आ जाओ आओ ना हेलो क्या कहा मालकिन चली गई मालिक मेरी बात सुनिए मालकिन चली गई मालिक मालकिन चली गई किधर जाएगी कहीं भी जाएगी तो वापस आएगी ऐसा नहीं है मालिक मालकिन चल बसी है चली गई अरे आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी कहने वाली चली गई हाँ मालिक अरे मालिक सर क्या हुआ मेरे मालिक मैंने मालकिन को वादा किया था कि आप जहाँ रहोगे मैं भी वहीं पर रहूँगा अब मैं भी नहीं बीवी पहले ही मर गई है कहा तो अब कौन मर गया ए ए गुंडा ए रुको रुको इसे बचाना होगा अगर ये भी मर गया तो ए गुंडा मालिक मैं आ रहा हूँ मालिक अरे ये तो बुरी तरह डर गया कम माय बॉय कम आजा यार कम डर गया क्या मैं किसी चीज से आज तक नहीं डरा तो ये छोटे मोटे ब्लैक मैजिक से डर जाऊंगा क्या ड्रिंक में ड्रग्स मिक्स किया है ना इसलिए व्हाट रेस्टरूम सच में पागल है क्या करूं अभी क्या करूं कुछ तो करना होगा कहाँ जा रहा है भाई मेरे मालिक को तुम्हारी लव स्टोरी सुननी है चल बताओ चलो 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 इज्जत से चलो चल जा चल जा चल जा चल 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 अब बता कौन है देखो मैं सीएम हूँ बिजनेसमैन नहीं हूँ कहाँ जा रहा था आखिर तुम्हें 2 करोड़ क्यों चाहिए क्या हुआ था देखो मैं एक साथ 2 करोड़ नहीं दे सकता हूँ इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हो जाएगी ना चाहो तो मैं डेली तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ सिर्फ 10 लाख मैंने तो 2 करोड़ मांगा था मेरे डैडी नाटक कर रहे हैं यार एक ही शॉट में 2 करोड़ नहीं दे सकते अभी 10 ले ले बाकी 20 दिन में और दे देंगे देख सिर्फ 20 दिन ना श्योर ना 100% यार देख रोहन मेरे जाने के बाद उसके साथ ऐसा वैसा मत कर देना ऐश्वर्या मेरी लवर है उसके बारे में ऐसा बोल मत अरे रे 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 मुझे लगता है तुझे ट्रू लव हो गया है हाँ यार ट्रू कंप्लीट फॉलन इन लव ठीक है यार अब तेरी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या एक मिनट रुक डैड का फोन है हेलो रोहन हाँ बोलिए डैड तू क्यों मुझे इस तरह की तकलीफ दे रहा है आजकल हाँ पता है अमोक के साथ मिलकर तू एक बार से दूसरे बार में घूमता रहता लफंगा हो गया तू ऐसा क्यों कह रहे हो डैड उसके बाप ने मुझे खराब किया और अब उसका बेटा तुझे खराब कर रहा है देख रोहन तू अकेला 2 करोड़ रुपए लेकर उससे मिलने के लिए गोवा नहीं जाएगा कुछ समझा ओके डैड ए गाड़ी निकाल अबे कमीने मुझे बोलकर तू क्या कर रहा है यार चल गोवा के लिए निकलते हैं चल 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 आजा जल्दी 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 चल मेरे सामने नाटक कर ओके दोस्त सी यू टेक केयर बाय लेट्स कैच अप इन गोवा ओके सुपर टेक केयर सी या बाय बाय तो अब हम दोनों कहां जाएंगे स्विट्जरलैंड जाकर डुएट गाएंगे वो आइस के बीच जो रॉक है ना उसके ऊपर तुम्हें आई लव यू मधु लिखना होगा मधु दैट्स माय रियल नेम पर तुम उस नाम से मुझे मत बुलाना तुम मुझे ऐश्वर्या ही बुलाना आई लव यू जानू उधर देखो ऐश्वर्या लवर्स ऐसे होते हैं ब्यूटीफुल है ना तुम मेरे साथ थोड़ा भी लवर की तरह बर्ताव करती ही नहीं हो कोई थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करती हो बिकॉज हम लोग शादी करने वाले हैं वो वैसे नहीं है गॉट इट ये कौन सा लॉजिक है प्लीज एक्सप्लेन मी जब छोटे थे तुम्हारे डैड तुम्हें चॉकलेट लाते थे हाँ, बहुत ज्यादा लाकर देते थे और एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा खाता था बट लेटर ऑन आई क्विट व्हाई कोई चीज अगर पसंद हो तो उसे कितना दिन यूज कर सकते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं खाता ही नहीं हूँ नाउ ऑल्सो आई ईटिंग पिज्जा बर्गर हाँ भाई लेके आ केक्स यू नो आई ईट एवरीथिंग थैंक यू चॉकलेट अब क्यों नहीं खाते फर्स्ट थिंग
पहले की तरह पसंद नहीं है। सेकंड थिंग, डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि वो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। प्यार एक चॉकलेट की तरह है, अगर ज्यादा किया तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। Come, let's go. चलो मुझे पीछे ड्रॉप करो। तो फिर ये सब कौन खाएगा? तेरे पापा। अरे तेरी तो। रोहन यही रोक दो, यही है मेरा पीजी। ओके, सो जारी हो गया। स्टॉप करो। ओके। कितना रेंट है? 5,000। विद फूड या विदाउट फूड? विदाउट फूड। हे, अगर ऐसा है तो नॉट वर्थ इट। एक आइडिया देता हूँ, ये पीजी छोड़कर मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। बेस्ट आइडिया, आ जाओ ना। कम ऑन ऐश्वर्या, हर बात को गलत नजरिए से देखोगी तो कैसे चलेगा? अगर तुम मेरे घर में आई तो आई विल गिव यू अ सेपरेट रूम, बिल्कुल टच मी नॉट प्लांट की तरह रखूंगा। टच मी नॉट प्लांट की तरह? तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा वार्डरोब है क्या? मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी? एक्चुअली मैं ऐसा कुछ देखता ही नहीं हूँ। आई वॉच ओनली इंग्लिश। लगाऊं क्या? लगाओ ना फिर। हाँ लगाता हूँ ना, ये लो। ये भी बदलो। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? मैं टेम्प्ट हो रही हूँ ना। इसलिए कहता हूँ फुल दिखाओगे तो क्या मजा है। क्रेजी कैमरा एंगल्स में है मजा, वो सब ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे अंगूर और बादाम खाने का मन कर रहा है, और उन लोग को देखो, अंगूर और बादाम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। मुझे वेस्टेज पसंद नहीं है। ऐसा है क्या? ठीक है, एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? विश कम ट्रू। मतलब? तुम्हें जो पसंद है वो मैं दूंगा, और मुझे जो पसंद है वो तुम्हें देना होगा। ओके, नाइस आइडिया। टान टान। वाओ। रोहन, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बोल रोहन। थैंक यू सो मच अमोग, आई थिंक आई एम इन लव। ये तू क्या कह रहा है यार? इतने दिन से जो हो रहा था वो क्या था? यार इतने दिन जो हुआ था वो तो भगवान कसम नहीं पता, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, दैट इज टोटली ट्रू लव मैन। इससे बाहर निकलना हाईली इम्पॉसिबल है। ऐसा है तो कांग्रेस। हाँ थैंक्स यार, तेरी वजह से मेरा लव सक्सेस हुआ है, सीरियसली। मुझे लगता है तू सिर्फ थैंक्स बोलकर खत्म कर देगा। फोन पे तो इतना ही कर सकते हैं ना। ऐसा है तो कल गोवा आ जा। मेरे बाप का सीएम दिमाग तुझे पता है ना, लॉन्ग ड्राइव के लिए लॉन्ग गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं, तेरे पास स्विफ्ट है ना, वो लेके आ जा। ऐसा है तो कल टेंपल फिनिशिंग, गोवा एंटरिंग। मंदिर आ गया है, साउंड कम करो। पागल। ए बेबी जल्दी आना, बस 5 मिनट में आती हूँ। ये लीजिए आपके 50 रुपए। ए, पैसा किसे दे रहा है बे? किसे चाहिए आपका एहसान? उस नारियल पानी के पैसे ओ, हैं ये। वो तुम हो क्या? हाँ। बाप रे। गुरु, गुरु, हाँ, एक बात बताओ। हाँ। उस लड़की को कैसे पटाया तुमने? उसको क्या? हाँ? फर्स्ट हाफ में तो एक सॉन्ग गाया और पटा लिया। सच्ची बोल, तुमने एक ही सॉन्ग में उस लड़की को पटा लिया? ये बताओ गुरु, कौन सा गाना गाया था बताओ ना, मैं भी पटा लूंगा ना। अबे वो मेरा सॉन्ग है, तू अपना ओन सॉन्ग गाकर पटा लेना जा। अरे मुझे कौन देगा सॉन्ग? ये भी करेक्ट है। एक काम कर, किसी का चुराया हुआ गाना तू चुरा के गा ले, पट जाएगी। जा ट्राई कर। तो जबरदस्त आइडिया। पूरा गॉन केस है।
लाइफ में ऐसा हिलेरियस सीन देखा ही नहीं है मैंने। व्हाट अ कॉमेडी यार, व्हाट अ कॉमेडी। रिवाइंड करके अगर देखेंगे ना तो दिस विल बी द मोस्ट हिलेरियस सीन ऑफ माय लाइफ। आज तुम अपनी लाइफ का भी मोस्ट डेंजरस सीन देखोगे। ए, गन नीचे करो यार। क्यों रोहन, डर लग रहा है क्या? तेरा सिर। ये रियल गन है ऐश्वर्या। ऐसा है क्या? पहले बताना चाहिए था ना। पहले बता देता तो शूट करती क्या? तुम तो मेरी स्वीट हार्ट हो, मैं तुम्हें क्यों शूट करूंगी? ये सब ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैंने कभी रियल गन नहीं देखी, मुझे शूट करना सिखाओ प्लीज। वो हाथ में रहेगी तो शूट करना तुम खुद ही सीख जाओगी। ऐसा है तो इसे अपने पास रख लो प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हारा बर्ताव देखकर तो लग रहा है कि एक दो दिन में तो तुम किसी ना किसी को टपका दोगी। इसकी ओपनिंग कर दूं क्या? हाँ? वैसे तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, फर्स्ट डे से देख रहा हूँ तुम डे बाय डे चेंज होती जा रही हो। क्यों? तब ना मैं सिंगल थी और अब मैं सीएम के बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए उस स्टेटस के हिसाब से बॉडी और माइंड चेंज होना चाहिए ना। नहीं चाहिए माते, तुम मेरी पुरानी ऐश्वर्या बनकर रहोगी, वही ठीक है। जानती हो इस ड्रेस में तुम कैसी दिख रही हो? हॉट एंड स्पाइसी दिख रही हूँ, ये मुझे पता है। टेल मी हनी। हाँ? चेंज द टॉपिक, मैं बोर हो गया हूँ। ओ कम ऑन हनी। कम ऑन रोहन, मैंने बस तुम्हें छेड़ने के लिए कहा था। मैं लाइम जूस लाने जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी वही चाहिए और एक वाटर बॉटल प्लीज। ओके। ए रोहन, इधर आओ। व्हाट? आई एम सॉरी तुम्हें परेशान किया। एक्चुअली फर्स्ट टाइम है ना जब हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, इसलिए ओवर एक्साइटमेंट में पागलो जैसी हरकत की। प्लीज डोंट माइंड। दैट्स ओके। हग मी। यस, दैट्स लाइक माय गुड बॉय। Five minutes, I'll come. Okay, I'll wait. Hello, madam. अरे सुनो, एक lime juice कार में और एक इधर देना। अंदर बैठिए सर, लेके रहता हूँ। Okay, okay, तू जा। हाँ सर। How are you guys? We are on the way to Goa. That's super awesome. अरे यार, ये ड्रग्स कैसा रहता है जरा बताना तो। अलग अलग ड्रग्स अलग अलग फॉर्म में आते हैं। अरे वही तो, किस फॉर्म में आते हैं? हेरोइन, कोकेन, थैंक्स, एक कार में दे देना। ठीक है सर। ये एक पाउडर के फॉर्म में आते हैं और भी बहुत सारे हैं, गांजा, चरस, हैश, ये सब टोबैको में मिक्स करके मार सकते हैं। अबे ये सब तो मुझे भी पता है, कोई स्वीट जैसा ड्रग्स होता है क्या? लिक्विड ड्रॉप जैसा कुछ आता है, जनरली लोग ना मेरे ख्याल से इसे ब्लॉटिंग पेपर में डालकर मारते हैं। हाँ, ये शुगर क्यूब्स में भी आता है, लेकिन रोहन अगर इसे किसी ने ले लिया ना तो 24 घंटे तक वो नशे में रहेगा, ये बात तो पक्की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम एसिड है। कितने टाइम के बाद नशा चढ़ता है? मुझे लगता है 30-45 मिनट। सर कार में तो कोई भी नहीं है सर। क्या कार में कोई नहीं, नहीं है सर। खेल खेलेगी? हाँ खेले, बॉल बैठ दे रहे, चल खेलते हैं। अरे ओ भाई, जरा बॉल देना। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फिल्म में हीरोइन बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, इसीलिए दुनिया भर के नाज नखरे बिल्डअप। चल आज तुझे मैं हीरोइन बना ही देता हूँ। ए छोटे, अरे अपनी हीरोइन को सीन तो समझा दे। ज्यादा कुछ नहीं मैडम, वन आवर शॉर्ट मूवी, नो डायलॉग, नो कॉस्ट्यूम, वन लोकेशन, वन टेक। मैं हीरो और तुम हीरोइन, सात गुंडे तुम्हें पकड़कर बेड के ऊपर लिटा देंगे, तीन पीछे से अटैक करेंगे और तीन आगे से अटैक करेंगे।
और जो एक बचा रहेगा वो तुम्हारा मुंह बंद करके रखेगा और तुम चिल्लाओगी बचाओ 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 अरे बचाओ 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 ऐसे। क्या क्या बहुत जलन हो रही है क्या? तूने क्या सोचा मेरा फोन रिसीव नहीं करेगी तो पता नहीं चलेगा? पता चलेगा, सब पता चलता है मुझे। पेमेंट दिया है ना, 7 कंट्री से आर्टिस्ट बुला रहा हूँ, लेकिन हीरोइन तो प्योर इंडियन चाहिए। मैं भी देखता हूँ तुझे कौन आके बचाता है। अबे ये कौन आ गया बे? कौन बचाएगा बोलते ही हीरो की तरह आ गया। फुल कराटे, कुंग फू, बॉक्सिंग सब आती है क्या? मुझे इनमें से तो कुछ नहीं आता, लेकिन मेरी लवर को बचाना बहुत अच्छे से आता है। तो इंसान है या भूत है यार? भाई ये तो भगवान लगता है। प्रॉब्लम, नो वायलेंस नो ब्लड। गुरु लेकर जा अपनी लवर को। रोहन ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पहले यहाँ से लेकर चलो प्लीज। जा रहा हूं, तू वंस अगेन अटैक करेगा नहीं चलेगा। मर्द है तो सामने से अटैक कर। अबे ए मार डालो इस कमीने को। Oh!
आज तो तू जा रहा है लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुझे। रोहन चलो चलते हैं, ये लोग पागल हैं, चलो चलो मेरे साथ। बट ऐश्वर्या। ऐश्वर्या धोखा। रोहन जल्दी चलो, पीछे मुड़कर मत देखना, लेट्स गो। रोहन प्लीज मुझे वापस बैंगलोर छोड़ दो, मैं और कहीं नहीं जाना चाहती। और तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे? अगर मुझे कुछ हो जाता तो। वो सब कौन थे ऐश्वर्या? How do you know them? You are doubting me? तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? Just tell me. Hey, I'm sorry. Hey, Roma, please. Hey, I was just joking. I'm sorry. Please, I'm sorry. Don't cry. Love you. Okay? Is it fine? Please, यहाँ से चलो. You just relax. Let's go. Good evening, madam. How are you? I'm fine. You are from Mumbai? No, Bangalore. Oh, Silicon City. आप इतनी दूर से हमारे होटल में आई हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है मैडम। अच्छी तरह एंजॉय कीजिए इस जगह और हमारे होटल को। वेलकम टू सफीरा रिसॉर्ट। थैंक यू। ये लीजिए आपके लिए कीस। What? मुझे हंसते हंसते कीस देना अच्छा लगता है। ऐश्वर्या, मेरी लाइफ में सॉरी बोलने वाली सिचुएशन बहुत कम आई है ऐश्वर्या, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू आई एम वेरी वेरी सॉरी। ऐश्वर्या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में मैं जिसे पसंद करता हूँ वो किसी ना किसी कारण से दूर हो जाते हैं ऐश्वर्या, बट आई कांट लूज यू, प्लीज ओपन द डोर ऐश्वर्या प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रहना चाहिए ना? नो ऐश्वर्या, मैं तुमसे जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना वो प्यार ही अलग है। कम, आई टेल यू, कम सिट। आई वॉन्ट ट्रू लव, प्योर लव फ्रॉम यू। मेरे सारे फ्रेंड्स की लाइफ में लड़कियों ने उनके साथ गेम खेला और बाद में चॉकलेट हाथ में देकर वो चली गई। मुझे उस लिस्ट में शामिल होना पसंद नहीं है। टॉक अबाउट यू रोहन, तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में मुझे कुछ मत बताओ। पता नहीं लड़कों को लड़कियों पर डाउट क्यों होता है। क्योंकि उनका माइंड करप्टेड है। 24 आवर्स टीटी खेलेंगे तो लड़कियाँ थक नहीं जाएंगी क्या? टीटी? टेबल टेनिस वाला टीटी नहीं, रियल स्टार वाला टीटी, मतलब खुजली मिटाना, इसलिए छोड़कर जाती है। बाद में सारे लड़के साथ में मिलकर बैठते हैं और ड्रिंक करना शुरू करते हैं। ड्रिंक करने के बाद बुराई शुरू हो जाती है। फिर एक लड़की जिसने वाकई में धोखा दिया हो, उस लड़की के साथ साथ दुनिया की सारी लड़कियों की बुराई करना शुरू कर देते हैं, और वो भी अपनी भाषा में, क्यों है ना? हे, क्या बात है यार, तुम्हें तो सब कुछ पता है। इन लड़कों को देखकर थक गई हूँ मैं। इन लड़कों को सिर्फ वासना ही दी है भगवान ने, और उस वासना को देखकर फुल स्टॉप लगाना भूल गए हैं। ओके, तो आखिर में तुमने मान ही लिया ना कि ये सब भगवान ने बनाया है। अब बेचारे लड़के भी क्या करेंगे, अगर तुम लड़का होती तो तुम भी वही करती। यहाँ बैठे बैठे लेक्चर देने की बजाय चल बे बीच पर चलते हैं, वहाँ पर सुपर लड़कियाँ मिलेंगी, पता है क्या ऐसा कहती। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये बताओ कि तुम लड़कियाँ ऐसे शॉर्ट शॉर्ट कपड़े क्यों पहनती हो? लड़कों में वासना है ऐसा कहती हो, थोड़ा छिपा कर घूमो ना, वासना थोड़ी तो कम हो जाएगी। हम लड़कियों को भी वासना कम नहीं दी है रोहन, हमने अपने संस्कार छोड़कर तुम लड़कों को हर जगह छेड़ना शुरू कर दिया ना, तो छुप के बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सपोज करके घूमते हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, इसलिए नहीं कि लोग देखें। बेंगलोर में आधी रात को एमजी रोड ब्रिगेड रोड पर एसी होटल में फुल ओसी होकर जो भी मिला वो खा पी कर, और जो भी दिखेगा उसे आंख मार कर पीने पिलाने वाली लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं। वो भी कैसे, बताया क्या, फर्स्ट मीटिंग में ही ओ हाय हाउ आर यू बोलकर एक हग, जाते समय ओ बाय यू गोइंग बोलकर एक और हग, इन बिटवीन किसी बेवकूफ ने कोई जोक मार दिया तो उसको भी ओ यू आर माय फ्रेंड्स फ्रेंड नो नो प्रॉब्लम एट ऑल कहकर उसे भी एक बड़ा सा हग, है ना? देखो रोहन, ये उनका लाइफस्टाइल है, मैं ये सब नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है, आई लव यू अ लॉट एंड आई वांट टू बी विद यू फॉरएवर, सो नो अनवांटेड टॉपिक। मैं बोर हो जाती हूँ, सो लेट मी गो चेंज एंड विल पार्टी आवर वे। ओके ओके। ये गुलाब का फूल भी बड़ा कमाल का है, इसमें तो कांटे भी हैं, अगर चुप गया ना तो खून निकल आएगा। वैसे कितने कांटे होंगे, 1 2 3 शिट यार, किसका फोन आ गया? एक्सक्यूज मी, दैट्स माय फोन। अरे यार, उसने मुझे तो धोखा ही दे दिया, सिर्फ नाटक।
क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ड्रीम स्पॉइल हो गया यार। कोई भी लड़की सही नहीं होती है, ये सारी लड़कियाँ एक ही कैटेगरी की होती है। लड़के नहीं लड़कियाँ, इतना तो फिक्स है ये मुझे पता चल गया। हे 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 रोहन, कूल डाउन, काम डाउन। हाँ अब बोल क्या हुआ। अरे कोई कमीना हरामखोर मेरी लवर को गंदे संदे मैसेज भेजता है यार। हे हे रोहन कूल डाउन यार, इट कैन बी अ फॉरवर्ड मैसेज। आई एम नॉट अ बुद्धू मैन। ओह शिट, ये भी अच्छी नहीं है। मतलब मूड ऑफ मत कर और उसे झगड़ना भी नहीं, एकदम सिंपल लव स्टोरी बना। पहले उसका गृह प्रवेश करना, फिर उसका रिबन कट करना। चल पाए। शिट, आखिरकार मेरे मास्टरपीस को बाहर लाने का समय आ ही गया है। सुपर्ब टाइमिंग है यार, थैंक्स। ऑलवेज वेलकम यार। बाय द वे, मीट माय गर्लफ्रेंड कर्ली। हाय। ये गर्लफ्रेंड है? या? You also try, Shona? For that, extra charges. What? She's just joking. मजाक कर रही है। अच्छा, काम कहाँ करती हो? Call center. Okay. तुम्हारे पास बनाना है? तुम्हें बनाना क्यों चाहिए? Milkshake बनाकर पीने के लिए। I just love banana. Yeah, honey, I got it for you. Oh, she likes your banana milkshake, huh? Honey, not like that. Shake it and then open it. Yeah, like that. What man? You're like to? There you go. और एक है करली। उसके साथ भी full justice करूँगी। I can go unlimited on bananas. अरे यार, मैं जो तुझे 2 करोड़ रुपए देने वाला हूँ ना, उसमें best ये है कि तू बनाना फैक्ट्री खोल ले। तेरी लवर full justice करेगी। वो तो जस्टिस करेगी ही, पहले तू ड्रिंक्स के साथ जस्टिस तो कर ले। चीयर्स। फुल ऑन। थुक। अबे लोफर। क्या हुआ रोहन? अबे नीट डाल दिया तूने? पानी नहीं डाला? टेंट में है। अबे मेरा सिर पकड़ लिया, मैं 2 मिनट के लिए टेंट में जाके सो के आता हूँ। 1 मिनट आया, रुक। ए रोहन, अबे सोना मत, अगर तू सो गया ना तो उठने का कोई सीन नहीं है यार। 2 to 5 minutes, I'll be back. Anyways, good night. Okay, good night. अब मैं क्या करूं? टेंट में जाके सो जाओ। कहां? इस टेंट में या उस टेंट में? इस टेंट में। एक्स्ट्रा पैसा? मिल जाएगा, जाओ। ओके। चल करली, सोने का टाइम हो गया। नमस्कार अजय। हाँ नमस्कार। क्या यार मधु, कस्टमर को जो देना है वो तू मार लेगी तो कैसे चलेगा? हाँ ऐसा है तो कैसे हीरोइन बनेगी तू? हीरोइन बनने के लिए फोटो शूट करना पड़ेगा अजय। तू फोटो शूट के 2 लाख मुझे दे दे, बाद में देखना हीरोइन कौन है। तुझे तो मैं 2 करोड़ दूंगा, तू मेरे साथ डील करेगी क्या? हाँ मैं करूँगा अजय। Shit. What's wrong, Amol? मॉल पे हमारे 2 करोड़ रुपए फंस गए हैं। 2 करोड़ रुपए? What happened? अमोंग मधु फोन नहीं उठा रही है, उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाय, कैसी हो? Oh shit, ये यहाँ क्या कर रही है? तुझे ये ड्रामा करना पड़ेगा मधु, वरना वो अजय हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। रोहन सीएम का बेटा है, उसके बाप के लिए 2 करोड़ कुछ नहीं है। पैसे मिलते ही नेक्स्ट डे हम गायब।
एक दिन में नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? मधु, किसी भी वजह से उसको थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। Till I get money, no message, no call. और नंबर भी सेव मत करना, ठीक है ना? Okay. Okay, bye, love you. Excuse me, that's my phone. Oh God, everything is ruined up. उस अजय ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो अभी आ रहा है तेरे पास मधु। तुझे जो समझ आए वो कर, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस मेरे 2 crore चाहिए। I want my 2 crores. अबे लोफर, मेरे जैसी अच्छी लड़की तुझे गर्लफ्रेंड के नाम पे मिली है, इसलिए तुझे कद्र नहीं है। लोग मरते हैं मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लव यू कहकर बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार में आते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल मैं तेरी छोटी सी बाइक में फंस गई। जाने दे उसे, छोड़, मैं तुझे एक कार भी दिलाऊंगा। सीरियसली? मेरी फेवरेट कार दिलाएगा क्या? अगर मैं तुझे तेरी फेवरेट कार दिलाऊंगा तो तू मुझे क्या देगी मधु? तेरा फेवरेट आइटम। इट मींस अ नाइट विद यू। नो, द शुगरी शुगरी क्यूब्स आर गोना ब्लो यू। एसिड। या। ओप्स। आज ही दोपहर में मैंने इसके बारे में किसी से बात की थी। कहाँ गया? यही तो रखा था। ये क्या कर रहे हो? 4 होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 3 हैं। I bought 5 sugar acid cubes. I popped 1 in the car on the way. And यहाँ 3 हैं, तो वो किसने खाया? Rohan. What? He has popped it soon after you popped. That means he's on a trip. He can't be sleeping on acid. I know. अगर वो सोया नहीं होगा तो क्या कर रहा होगा? तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। अबे लोफर कहीं के, मेरे पापा ने मुझे बहुत बार समझाया कि तू जैसे कचरे के साथ फ्रेंडशिप मत कर। आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। तू सॉरी रोहन, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू चाहे मेरी जान ले ले। तेरी जान ले लूं? मेरे सामने डायलॉग मार रहा है, रुक। तू अभी रुक। मेरी गन कहाँ है? रोहन, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ करने का सोचा भी ना तो आई विल फिनिश यू ऑफ। मधु, ये क्या कर रही हो? अरे वाह, तो इस लेवल की लड़की हो तुम, और इसे मेरे साथ सेट करने चला था। तेरी तो वही। रुक जाओ रोहन, भगवान ने मेरी जिंदगी इतनी शॉर्ट नहीं लिखी है, समझे? लेकिन ये मधु लिखेगी। मधु, तुम पागल हो गई हो? रोहन, सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रुक, मैं तुझे सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अब एक्सप्लेन करने के लिए बचाई क्या है? एक तो तू बचा है और तेरी ये कतार फ्रेंड बची है। बोल, तुझे जो बोलना है वो बोल, पर प्लीज बैंगलोर जाने के बाद तू मेरे साथ कुछ मत करना। ए, तू मेरा जिगरी दोस्त है यार, मैं तुझे तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे घूर क्या रही है तो? हाँ, सुन रोहन, प्लीज यार अपसेट मत हो। अरे मेरे दोस्त, मैं क्यों अपसेट होऊंगा? जो भी किया है वो तेरी गर्लफ्रेंड ने किया है ना, मेरी बजाय तुझे अपसेट होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट इट, सब कुछ भूल जा यार। भूल जाएंगे, बट फर्स्ट मुझे ड्रिंक चाहिए। तुझे ड्रिंक चाहिए? रुक, मैं लेके आता हूँ। रोहन, तेरा ड्रिंक यहीं पर है, ये ले। हेलो, सारी बोतल पीकर खाली कर दिए तुम लोगों ने यार। अब तो इसे लाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। ऊपर से तुम दोनों लवर्स हो, लेकिन मैं तो सिंगल हूँ, रेडी टू मिंगल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाके ड्रिंक ले आता हूँ। हाँ। मेरी कार की चाबी कहाँ है? अमो, इसे जाने मत देना, अगर ये गया तो वापस नहीं आएगा। क्या यार, ये ऐसा क्यों बोल रही है? ए मधु, कार की चाबी दे इसे। नो, तू समझ नहीं रहा है अमो। हाँ यार, बेचारे लड़कों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, जानता है क्यों? लड़कियों के पास जो आइटम होते हैं वो लड़कों के पास कहाँ होते हैं? कौन सा आइटम पता है क्या? अबे कमीने, पूछ तो कौन सा आइटम। कौन सा? एक तो दिमाग, दूसरा चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। सुपर दोस्त। क्यों, तुम्हारे पास नहीं होता है? हार्ट। हार्ट, दिल और हृदय हमारे पास भी होता है, लेकिन तुम लड़कियां उसे हमारे पास रहने का देती हो। हार्ट डालकर जड़ के साथ खींच लेती हो। खेल खेल लिया ना, मेरा हार्ट मुझे वापस दे दो। दो ना। नहीं हो सकता ना, टूट गया मेरा हार्ट। हाँ?
यार ये प्यार मोहब्बत सब किताबी बातें हैं और आज उसका प्रैक्टिकल भी देख लिया। लेकिन मेरी लाइफ में वो प्रूव हो गया। अगर मेरी ये रियल स्टोरी आमिर खान देखेगा ना तो इसे लेकर मतलब इस बेवफा लड़की को लेकर पक्का मन पार्ट टू बना देगा। अगर तुमने चाहा तो वो भी होगा। हाँ यार मधु ने ये सब हीरोइन बनने के लिए किया है। बैंगलोर जाने के बाद इसका काम हो जाएगा समझ ले। थैंक्स रोहन। हाँ, अरे अभी तो कार की चाबी दो। इतना पास जाने के लिए कार क्यों चाहिए? अमोक तू अपनी बाइक की चाबी दे दे उसे। आई वॉन्ट टू लिसन टू द म्यूजिक इन द कार। अमोग, तुझे कौन सा ड्रिंक चाहिए? सेम यार, स्कॉच। मधु तुम्हें कौन सा ड्रिंक चाहिए? वाइन। अबे तेरी वाइन की मां की यार, हीरोइन बनना है तुझे? बैंगलोर चल तुझे दिखाता हूँ हीरोइन कैसे बना जाता है। चल बड़ी आई हीरोइन बनने वाली है। अरे चल बैंगलोर चल दिखाता हूँ। नो नो नो, दिस इज नो लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है ही नहीं। हाँ सर, ये लव स्टोरी नहीं है, हेट स्टोरी है। फिर क्या? तो फिर उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए। आई टेल यू, यू किल देम बोथ। उन दोनों को खत्म कर दो। छे, मैं उन दोनों को क्यों मारूं सर? उन्होंने पाप किया है तो उन्हीं को प्रायश्चित करने दो। पाप? प्रायश्चित? तू अभी तक कलयुग में ही है। उन्होंने तेरे साथ गलत किया है तो तुझे उनको सजा देनी ही चाहिए। किल देम बोथ। सर, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी है मेरी गर्लफ्रेंड। उनके साथ गलत करके मैं कहाँ जाऊंगा सर? लेट देम बी हैप्पी सर। सर, मैं अपनी दादी के घर जाकर वहीं पर कोई एक गद्दा पकड़कर खुश रह लूंगा सर। सो लेट देम बी हैप्पी। क्या बात है, क्या दिल है तेरा। सच में तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल कुंडा कुंडा वो कांच का बाउल लेकर आ। आया, ला रहा हूँ मालिक। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मत सुनो ऐसी गई गुजरी लव स्टोरी, मत सुनो। लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। देखो, मैंने आखिर में गाना गाकर भी सुनाया था ना, सब कुछ बेकार हो गया। हाँ यार, तूने जो कहा था सच है। कूल रहना मालिक, मैं अभी आता हूँ। आता हूँ। उफ, उफ, उफ। जब दिल टूट जाए या हृदय भारी हो जाए तो आधे घंटे के लिए निकाल देना चाहिए। आधे घंटे के बाद फिर से लगा देना चाहिए। इट्स ए गुड थेरेपी यू नो। पता है तुम्हें कितना आराम मिलता है। यू शुड ट्राई इट वंस। You're mad. यहाँ आकर डर लग रहा है मुझे। बताइए कौन है आप? कौन है आप? मुझसे क्या चाहिए आपको? What do you want? अरे What do you want? हमें कुछ नहीं चाहिए यार, we don't want anything. तुम्हारी कंपनी चाहिए, ड्रिंक तो लो। इसकी जात का बैदा मारू ये खाली नहीं होता है। ये मुझे लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ पीना पड़ेगा। रहने दे यार, नो फोर्स। भूख लगी है ना? ए गुंडा। हाँ मालिक। लड़के को भूख लगी है, एक पिज्जा बना कर ला। अभी लाया पिज्जा। पिज्जा मेरी बाइक में है, दो मिनट में लेके आता हूँ। अरे रुक जा, अभी आता हूँ। रुकिए, लेकर आता हूँ, दो मिनट में लेकर आता हूँ। यही रुकिए, लेकर आता हूँ। You, the end.
Marry me? हेलो 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 शकलाका वल्लभ, क्या हो गया? मुझे फोन कर रहा है शूटिंग छोड़कर। शूटिंग की बात छोड़, एक बात बता, कल से तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अरे तो लैंडलाइन पे फोन करना था ना। रोहन, मैंने लैंडलाइन पे कॉल किया था यार, तेरी तरफ से एटलीस्ट एक फॉरवर्ड मैसेज भी नहीं आया। अरे यार कैसी बात कर रहा है, परसों ही तुझे मैंने बर्थडे विश किया था ना। क्या, परसों? ए दोस्त, वो पिछले साल था, कल ही मेरा बर्थडे है। ऐसा क्या? क्या कॉमेडी सीन है यार। ये कोई कॉमेडी सीन नहीं, और एक कॉमेडी सीन सुनेगा ना तू तो तेरे होश उड़ जाएंगे। क्यों यार, तेरी गर्लफ्रेंड के सपने में मैं आया था क्या? मजाक नहीं है यार, तू सच में मेरी गर्लफ्रेंड के सपने में आया था, तुझे उससे मिलना ही होगा। वो अभी ऑफिस से ड्यूटी खत्म करके घर पे आई होगी। एक काम करना, तू घर चले जाना। वैसे मैं बताना भूल गया, एक्चुअली आज रात मेरी बर्थडे पार्टी है, मिस मत करना। और हाँ सुन, गिफ्ट लाना मत भूलना। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है अब ये नहीं आने वाला है।
रमैया जी अंदर हैं? हाँ, देखिए है मुझे अर्जेंटली उनसे मिलना है प्लीज। आप एक मिनट यहां बैठ जाइए। फोन करके उसके फियांसे ने बताया है। आई नो हर। सुनिए सर, वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो मैं भी ट्रीटमेंट के लिए ही आया हूँ। इट्स ओके श्रुति। हाय रोहन, इतनी जल्दी आ गए? ओके मैम, कम कम प्लीज कम। थैंक यू श्रुति। वैसे आज किसको ऐसी ट्रॉल कर रही हो? एक इंसान है, उसकी लाइफ बहुत खतरे में है। Letting him know his future, right? तो ये परमात्मा यहाँ पर सोकर अपने घर पर उठेगा क्या? He's my first patient. उठने के बाद पता चल जाएगा। What? He's your first patient? अगर ऐसा है तो कल जो तुमने मुझ पर जादू मंत्र किया था वो भूल गई? ये क्या कह रहे हो तुम? कब आए थे? मुझे जरा डेट और टाइम बताना प्लीज रोहन। April 1st, 1:30। क्या रोहन, आज की डेट और टाइम बताकर मुझसे मजाक कर रहे हो क्या तुम? मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशेंट नहीं हूँ, got it? प्रवीण ने बताया कि कल मैं तुम्हारे सपने में आया था। सिर्फ कल ही नहीं, तुम मेरे सपने में रोज आते हो। What's the big deal? It's not a joke, रमिया। I died in my dreams. मेरा सपना अजीबो गरीब है। मैं अकेला गोवा से बैंगलोर जंगल के रास्ते से ट्रैवल कर रहा था। मुझे ये भूत प्रेत में विश्वास नहीं है, फिर मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? Because in astral travel you get answers to all your questions. मुझे बताओ तुमने अपने सपने में क्या क्या देखा, मैं बताऊंगी तुम्हें उसका लिंक। तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं बताता हूँ। Just tell me, John. पहले मेरे डैडी आए। तू अकेला 2 करोड़ रुपए लेकर उससे मिलने गोवा नहीं जाएगा, कुछ समझा? और तुमने अपने डैडी की बात नहीं मानी। नेक्स्ट। एक साधु मिला था पेट्रोल पंप पे गोवा से वापस आते समय। इस अंधेरे में उस रास्ते से ना कार जाती है, ना लॉरी जाती है, ना ट्रेन जाती है और ना ही बस जाती है, और फिर भी तुम गए। बहुत हिम्मत है तुम में। नेक्स्ट। एक कर्नल मिला था मेरी बाइक एक्सीडेंट के बाद, वो मुझे अपने घर लेकर गया। एक शॉकिंग न्यूज क्या है जानती हो? वो मरे हुए थे, उनकी आत्मा ने मेरा वेलकम किया। आखिर में मैं भी मर गया था। सो फनी है ना ये ड्रीम्स? ये ड्रीम सच हो सकते हैं क्या? नो, इस सपने का सच होना नामुमकिन है। कर्नल याउन जैसे लोग एस्ट्रल ट्रैवल में ही दिखाई दे सकते हैं हमें। रियल में वो हमारी आंखों को दिखाई दे इस बात का चांस ही नहीं है। बट तुम्हें वो उस डायरेक्शन में लेकर गए बिकॉज दैट इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। इंसान सपना देखता है ताकि वो अपने दिमाग के डाउट्स क्लियर कर सके। Now you believe in God and ghost, right? Not exactly God and ghost, but yeah, some supernatural powers. Okay, next. इतना ही मैंने अपने सपने में देखा, so nothing to worry, right? No, there is something to worry. और तुम्हारे सपने में कौन कौन आया था ये तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्यों, तुम्हें पता है? Yes, तुमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि तुम्हारा सपना यहीं से शुरू हुआ है। हाँ तो? So, मैं भी तुम्हारे सपने में आई होंगी, है ना? Oh, correct, यार. These dreams are so funny. Anyway, रमिया, तुमसे मिलने के बाद लाइफ की बहुत सारी क्लैरिटीज मिल गई। Okay, I will take a leave. Bye. बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। मुझे पता है मैं तुमसे क्लोज हो रही हूँ, ये बात तुम्हें पसंद नहीं है ना? लाइफ में मुझसे फिर कभी ना मिलो, इस बात की प्लानिंग कर रहे हो ना तुम? प्रवीण तुमसे कितना प्यार करता है ये तुम जानती हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये बात प्रवीण जानता है। यू आर मैड, आई एम जस्ट लीविंग। ओके, हग मी नाउ बिफोर यू गो, वन लास्ट टाइम यार। क्रेजी। मुझे पता है रोहन, तुम वापस नहीं आओगे। तुम जिस जगह जा रहे हो वहाँ से वापस नहीं आओगे। तुम्हें हमारे पिछले जन्म का प्यार याद नहीं है, तुम्हें इस जन्म में हुआ प्यार याद है। ऐश्वर्या से मिलने जा रहे हो ना तुम? तुझे कैसे पता चला? सच बोल, तुझे ये सब कैसे पता चला? एस्ट्रो ट्रैवल से सपना दिखाकर पागल कर दिया है। बोल, तुझे ये सब कैसे पता चला? बोल, तुझे पता है वो कहाँ है? बोल कहाँ है? बोल अभी के अभी बता। हग मी। हो गया ना? ओके, बोल बोल, चल जल्दी बोल, कहाँ है वो? किस मी? रोहन, मैं अंदर आऊं या बाहर जाऊं? अबे मेरे दोस्त, तू कहाँ जाएगा, चल अंदर आ। ओके, इट्स रिपीटिंग। मैं पार्किंग के पास हूं, तू आ जाना। माय डियर, जस्ट बिगेन। बी केयरफुल। अरे दोस्त, मेरे दिमाग का दही हो गया है, चल पहले पी लेते हैं। ये कितने का है? 35 का है सर। मलाई वाला नहीं, सिर्फ पानी वाला बता। आप पानी वाला ही पीते हैं ना, वो 35 का ही है। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ रोहन? ए रुक यार। यो 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 चिका पीका चिका, यो 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 चिका पीका चिका। कितने पैसे में बता? ए कहाँ जा रहा है?
नारियल पानी पीने? जेब में पैसे हैं क्या? जो तुझे चाहिए क्या? ए, तेरे फटे हुए जेब से 50 रुपए का नोट निकाल। तू कौन है मुझसे मांगने वाला? अबे निकालना। प्रॉब्लम है? क्या हुआ रोहन, आज बिना पिए ही टाइट हो गया क्या? तू तेरी गर्लफ्रेंड को कितना पसंद करता है? क्या हुआ यार, ये गर्लफ्रेंड की बात कहाँ से आई? मैं तू सिर्फ बोलना। सुन रोहन, मैं और वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है बस, और तब से हम दोनों के बीच में सिर्फ अफेक्शन है, और अभी हम दोनों सिर्फ ड्रग पार्टनर्स है। होपलेस लव स्टोरी है ये। थैंक्स, चल बैठ के पीते हैं। चल, मेरे डैड 2 करोड़ सैंक्शन करेंगे ऐसा कहा था। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या? कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? मैं बहुत तकलीफ में। ठीक है, एक डील करेगा क्या? 2 करोड़ रुपए दूंगा। करना क्या होगा? देख यार, यहाँ से एक सुंदर सी लड़की उतर कर आएगी, उसे पटाना है। और अगर नहीं आई तो? वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताया। चेंज द टॉपिक, ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। कॉमन डायलॉग है यार, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा ही बोलती है। अगर वो ऐसे मंदिर में आ गई ना तो 3-4 घंटे तो बाहर नहीं आएगी। उसका बस चले तो यही सेटल हो जाए। शी इज वेरी क्रेजी अबाउट गॉड्स। ओके, क्या बोल रहा है बे तू? तेरी तो। अब ये क्या कर रहा है? भगवान से ज्यादा भक्ति हो गई है। ऊपर जा रहा हूँ, चलेगा क्या? चला। Hey, इस लड़की को तो मैं जानता हूँ यार। ऐसा क्या, तू जाकर उसे बात करना। मैं तुझे मेरे दोस्त से मिलाता हूँ। ओके। रोहन, मीट माय फ्रेंड ऐश्वर्या। आई लव यू। हाँ, क्या बोल रहे हो अमोक? व्हाट इज दिस यार? वो तो रुक, उसके पास देख के क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना। क्यों, अमोक ने बताया नहीं? मैं बताता हूँ, मेरा नाम है रोहन, सीएम का बेटा, इकलौता बेटा, ठीक है ना? बहुत पैसा है, कार बंगला जो मांगूंगी सब है, मुझसे लव करोगी? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तुझसे ही बात कर रहा हूँ। तेरे मुँह से आई लव यू शब्द छोड़कर दूसरा कोई भी शब्द निकलता नहीं है क्या? देखो, दिस इज टू मच। लव यू, लव यू के अलावा दूसरे शब्द नहीं निकलते हैं क्या? मुझे क्या ऐसा वैसा समझ कर रखा है? तेरे लव में गिरकर बार बार रिवाइंड करके मुझे देखना चाहती है तू? ए, मैं तेरा लवर हूँ, लवर। ए, मैं दूसरे लड़कों की तरह तेरे सामने 3 महीने नाटक करके बाद में प्रपोज नहीं करूंगा। मैं तुझे स्टार्ट से ही प्रपोज करूंगा। मैं रहूंगा डोमिनेटिंग लवर, बट आई एम अ ट्रू लवर, समझ गई? ए, किसी लड़की के मुंह से सुना था कि ट्रू लवर को उसकी लवर मिलती है। चल देखते हैं, मिलती है या फिर मरेगी, मिलती है या मरेगी यार। कर नहीं तो यू द एंड ए। मधु, जल्दी से हाँ बोल दे। बोल दे। I love you, रोहन। Actually, अमोक ने जब मुझे बताया था कि तुम सीएम के बेटे हो, मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था। बट तुम इतने रफ हो, मुझे नहीं पता था। तुम्हारे बारे में सुना कुछ और तुम निकले कुछ और। दोस्त, तू निकल, चल, ये मुझसे पट गई है, हम देख लेंगे, चल जा, है ना? हा? क्या घूर रही है? Hey, you wanna kiss me? Hey, Amo, go man, क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? चलो चलो चलो, come baby, come, बस यहीं पर try कर लेते हैं, come come, let's start with the beautiful gun. चलो रोहन, आज तू बहुत indecent behave कर रहा है यार। इससे पहले ऐसी hot chick नहीं मिली थी ना मुझे, अभी मिल गई है। रोहन, ये तू क्या कर रहा है यार? वो कैसी है तुझे पता नहीं? वो तुझे मार देगी रोहन। ए पागल, ये क्या मारेगी मुझे? तेरी बाइक है ना गोवा की, उसने मार दिया मुझे। हाँ, because of her and your bloody bike, I died in some bloody astro world. वो कोई जगह है जिसे मैं देख कर आया हूँ। नो रोहन, तू अभी भी उस एस्ट्रो वर्ल्ड से बाहर नहीं निकला है, तू अभी भी वो एस्ट्रो वर्ल्ड में ही है। देख रोहन,
ये सब यहाँ पर जो भी हो रहा है, यहाँ दिखने वाली हर एक चीज, यहाँ मौजूद हर एक इंसान तेरे माइंड में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट इज जस्ट योर इमेजिनेशन। तेरी फिजिकल बॉडी अभी भी रमैया के घर में ही है। फर्स्ट टाइम तूने जब एस्ट्रो ट्रेवल किया था, मतलब सपनों की दुनिया में कदम रखा था, तुझे तेरे हर सवाल का जवाब नहीं मिला था, इसलिए तू दूसरी बार सपनों की दुनिया में आया है। दूसरी बार सपनों की दुनिया में रहने वाला तू, तेरा दी एंड इतना जल्दी आ गया। क्या है अमोक, मेरा दी एंड? अब ये मधु ही तुझे मारेगी। गुड बाय स्वीट हार्ट। गया है उसे पता चल गया कि अब वो मर चुका है। हाँ, अब वो फिर से पिज्जा यही आएगा ना। अरे अरे क्या हो गया, देखो देखो क्या हो गया। अरे पीछे जाओ सब लोग, पीछे जाओ, चिल्ला मत। सर रास्ते में एक कर्नल का घर मिलेगा। हाँ, स्वर्गीय कर्नल का घर। उस घर में सबके सब पागल हैं। कोई परेशानी हो तो फोन कीजिएगा। मालिक मेरा पिज्जा आ गया। अरे रे पिज्जा आ गया, पिज्जा पिज्जा पिज्जा, किसे चाहिए पिज्जा? तुझे भूख नहीं लगी है क्या? लगी है। पूरे 2 लाख लेकर अभी निकलो, वी आर चेकिंग आउट। आ रहा हूँ। लाइफ में एक लड़की आने वाली है। आफ्टर दैट योर लाइफ विल बी इन अ डीपेस्ट प्रॉब्लम।
And the award goes to Nishant Shetty. Thank you, man. Congratulations. Thank you. Thank you. All the best. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you so much. मुझे पता था कि ये दिन एक बार जरूर आएगा. Every superstar was a newcomer one day. And I believed in my dream. Because believing is the way of living. हाँ, ये भी हीरो बन गया. Hey, hi. मैंने तुम्हें कहीं देखा है. सपने में आने का चांस ही नहीं है. रोहन, फ्रिज में बियर रखी है क्या? हाँ, उधर रखी है, ले ले. Awesome. अब आएगा मूवी देखने में मजा.